गुड मॉर्निंग ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स, आई एम 100% श्योर डेट यू लाइक दिस चैप्टर अलॉट बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद एनिमल्स एंड आर चैप्टर नेम इज हेरिडिटी एंड ग्रेड थ्री. आई अश्योर यू डेट इन नेक्स्ट डेज एंड टूडे वी विल लर्न न्यू थिंग्स. सो टूडे इज आर डे 6 एंड लेट्स सी वॉट वी हैव टू डू टूडे. सो आप लोग तैयार हैं आज की एक्टिविटी करने के लिए? एक्सीलेंट. सो थिंक अबाउट दिस. आज हमें इस चैप्टर के बारे में और इन चीज़ों के बारे में सोचना है. एंड थिंकिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट. थिंकिंग जो है वो बहुत अच्छी आदत है. हमें कोई भी काम करने के लिए, हमें कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में थिंक करना चाहिए. ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक गिफ्ट है कि अल्लाह ताला ने आपको सोचने की सलाहियत दी है और आप अपनी थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो आज हम देखते हैं कि हमने किस बारे में थिंक करना है. ओके, सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, व्हाट न्यू वी रीड इन दिस चैप्टर एंड वी हैव टू राइट 5 to 10 सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन हमने इस चैप्टर में क्या क्या नया सीखा और 5 से 10 जुमलों में हमें इसको एक्सप्लेन करना है. एंड द नेक्स्ट थिंकिंग इज़ अबाउट वॉट बेसिक साइंटिफिक नॉलेज डिड यू गेन फ्राम दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने से हमें किस तरह का साइंटिफिक नॉलेज आया है. सो आज हमें दो चीज़ों के बारे में सोचना है. सो लेट्स थिंक अबाउट फर्स्ट थिंग, वॉट न्यू डिड यू रीड इन दिस चैप्टर, राइट 5 to 10 सेंटेंसेज टू एक्सप्लेन. ओके, सो ग्रेड थ्री स्टूडेंट्स, we read many interesting things about animals and plants in this chapter, like inheritance, their instincts and traits. We also read about how mental and physical characteristics are transferred from parents to their children. So as you know that मैंने आपको थोड़ा सा इसमें help किया. ये तो आपने ख़ुद से सोचना है, लेकिन मैंने आपको इसमें ये help किया कि हमने animals और plants के बारे में, inheritance के बारे में बहुत कुछ सीखा है. हमने ये सीखा है कि mental और physical characteristics किस तरह से parents से बच्चों में transfer होती हैं. So try to write at least 5 to 10 sentences कि आपने इसके बारे में, इस चैप्टर में क्या कुछ नया सीखा है. जो मैंने सीखा मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, अब बाकी आपका टास्क है. और अब हम देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू थिंक, व्हाट बेसिक साइंटिफिक नॉलेज डिड यू गेन फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर को पढ़ने से हमें किस तरह का साइंटिफिक, बेसिक साइंटिफिक नॉलेज मिला है. सो स्टूडेंट्स, वी गेन्ड वेरी फ्रूटफुल नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ inheritance and what are the variation in animals and plants. We also came to know that why do plants and animals differ to each other but look like their parents and their species. It's all beauty of heredity. हमने ये सीखा कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनमें कैसे चीज़ें, इनहेरिटेंस उनमें कैसे होती है, उनमें डिफरेंट वेरिएशंस कैसे हैं. हमने इस चैप्टर में ये साइंटिफिक नॉलेज गेन किया कि हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफर टू ईच अदर बट लुक लाइक सेम लाइक देयर पेरेंट्स. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हेरिडिटी. सो दिस वॉज आर टूडेज एक्टिविटी अबाउट थिंकिंग. सो वॉट इज़ योर असाइनमेंट? येस, योर असाइनमेंट इज़ वेरी ईजी. यू हैव टू राइट 5 to 10 सेंटेंसेज अबाउट वॉट न्यू डिड यू रीड इन दिस चैप्टर. सो होल्ड योर कॉपी एंड पेंसिल and start writing 5 to 7 sentences and take a picture and send it to your teacher. Okay, Allah Hafiz.